तो आज जाने वाले हम लोग चार अली आईटीआई का वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हल्के हल्के बारिश हो रहा था, तो गाड़ी लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वेरिफिकेशन है रफीकुल का भाई का है, तो निकलते हैं गाड़ी लेके। तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे रफीकुल का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार मुझे वो इंतजार कराता है। ठीक है, कोई बात नहीं, और इंतजार कर लिया जाएगा। और ये रहा हम लोग का बोड़गंग का नया ब्रिज जो भी बन रहा है उस तरफ। ये पुराना है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। ये हम लोग रहे 5 आदमी है, आराम से निकलते हैं अभी आईटीआई कॉलेज के लिए। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुका है, तो गाड़ी चलाते चलते मैंने सोचा एक शॉट ले ही लेता हूँ। तो बारिश तो काफ़ी तेज़ था, तो मैंने सोचा बचपन का यादें ताज़ा किया जाए, तो बाहर निकल के मैंने मज़ा लिया बारिश का। काफ़ी चोट लग रहा था, फिर भी मैंने मज़े लेने के लिए कर लिया है। तो रुके थे कुछ खाने के लिए, तो खा पी के सब कोई आ चुके हैं, तब निकलते हैं अपना मंजिल पर। तो फाइनली हम लोग आ ही चुके हैं आईटीआई कॉलेज में। तो यहाँ रफीकुल थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि मैंने कैमरा ही निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ कैमरा उतना अलाउ नहीं है। अभी चलते हैं भीतर। तो कहा ये रहा आईटीआई कॉलेज, देख सकते हैं आप लोग। तो चलते चलते आ चुका हूँ भीतर। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी ये बंदे को पीछे देख के मैं थोड़ा सा डर गया था कि वो कैमरा छीन ना लो। तो एडमिशन का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं थोड़ा घूम रहा था आईटीआई कॉलेज में, हमें साहिल और एक फ्रेंड। तो इतना सारे स्टूडेंट देख के मेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो गया यहाँ पर। तो मेरा दोस्त इतना अनपढ़ है, जेंट्स और लेडीज में अंतर उसने नहीं दिखा, और लेडीज टॉयलेट में जाके अपना कार्यक्रम करना चाहता था, पर हम लोग देख के काफ़ी हंसी उठा। तो रफीकुल ने उसको डांटा थोड़ा, तो हम लोग बाहर निकल के इतना हंसी उठ रहा था। तो रफीकुल ने उसको डांट दे के जेंट्स टॉयलेट दिखाया, तो ये जेंट्स टॉयलेट सलामी दे के वो भीतर जा रहा है। तो फाइनली वेरिफिकेशन हो गया आईटीआई का, सब खत्म, कहानी एकदम सब कुछ आराम से हो गया, क्योंकि रफीकुल इसी कॉलेज का था इसलिए आराम से हो गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग अब नेक्स्ट ब्लॉक में।